हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत मेवात के करीब 2.60 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच एवं उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यालय में इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जिसको हमारी सरकार ने काफ़ी हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ये आज मेवात मलेरिया फ्री का आज ये कार्यक्रम लॉन्च हमने किया है। वैसे तो सरकार का टारगेट है कि 2030 तक टोटल इंडिया जो है मलेरिया फ्री करना है। उसी की दिशा में ये गतिविधियां शुरू हुई हैं। हमारा इन 5 सालों में हमने मलेरिया पर और डेंगू पर काफ़ी कंट्रोल किया। 2015 में 9,300 कुछ केसेस थे जो 2018 में घटकर 1/3 होकर 3,000 कुछ केसेस रह गए हैं, क्योंकि हमने लगातार कंटिन्यूस इसके बारे में स्टेप उठाए हैं। हरियाणा का जो टोटल हमारा मलेरिया के केसेस हैं उसमें से 60-70% केसेस अकेले मेवात में हैं। इसलिए मेवात को हमने टारगेट जिला मानते हुए मलेरिया मुक्त मेवात MMM मलेरिया मुक्त मेवात कार्यक्रम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी हमने काफ़ी योजना बनाई है। उसमें हमने टीम्स बनाई हैं जो हमारी PSC ज़्यादा अफेक्टेड हैं उनके लिए सभी जगह स्क्रीनिंग करने का प्रोग्राम बनाया है, और रैपिड स्क्रीनिंग किट्स जो हैं वो हमने अपने आशा वर्कर्स को मुहैया कराई है कि वो घर पे जाके ही टेस्ट कर सकते हैं। पहले जिसको बुखार होता था वो अस्पताल तक आता नहीं था, लैब तक आता नहीं था, पता नहीं लगता था कि उसको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है और कौन सा हुआ है, RV है या RF है। तो अब ये किट ये है रैपिड, वहीं पर 10 मिनट में वो घर पे जाके टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मलेरिया है, और वहीं पर ही उनको दवाई दी जा सकती है कि वहीं पर उनको दवाई देंगे। हमें वहाँ पर जो मच्छरदानियाँ हैं स्पेशल ये किट हैं, नेट हैं जो मेडिकेटेड हैं, अगर मच्छर इनके संपर्क में आएगा तो वो मच्छर मर भी जाएगा और लोगों को भी उससे बचाएगा। लगभग 2 लाख मच्छरदानियाँ हम उस जो मोस्ट अफेक्टेड हमारा इलाका है उसमें हम ये लगाएंगे, और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ताकि लोग जहाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा है या जहाँ जहाँ पर ये इसका लार्वा होता है उनको रोकने के लिए ये काम करें। सारे बाकी एजेंसियाँ भी मिलकर काम करेंगी, लोकल बॉडीज़ भी इसमें मिलकर काम करेंगी, और इसमें जो स्प्रे वगैरह का है उसके लिए भी हमने प्रोग्राम बनाया है। हमने टारगेट रखा है कि मेवात को मलेरिया मुक्त करेंगे, ये हमने शुरू कर दिया और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ये तब तक हम चलाएंगे इसको। सारे हरियाणा में ही हम बाकी जगह पर भी हम अपना कैंपेन चला रहे हैं, ऑलरेडी चला रहे हैं, और पिछले सालों से इस साल उसमें काफ़ी कमी है, पिछले साल से भी बहुत कमी है। 1/3 केस हैं पिछले साल से, अगर इसका लिया जाए 2018 से 2019 का, तो अभी तक डेंगू के लगभग 23 केसेस आए हैं, जबकि पिछले साल इन्हीं दिनों में 60 के करीब थे। तो उसमें डिक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा 1/3 डिक्रीज़ है उसमें, और भी वो कम हो, और उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने जो है सेपरेटर्स लगाए हैं ताकि अगर कहीं पर कोई केसेस हों तो प्लेटलेट्स के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, सब जगह ना करना पड़े। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने वो मशीनें मुहैया कराई हैं। मेवात में हमने लगभग 700-800 जो हैं आशा वर्कर्स और MPHW जो हैं, ये अभी हमारे 1000 MPHW भर्ती हुए थे, जिसमें से 700-800 के करीब मेवात में हमने भेजे हैं, जो घर घर जाके लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इससे कैसे बचाव करना।
नहीं देखिए, फॉगिंग जो है वो अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो फॉगिंग का, अगर कहीं पर कोई केस डिटेक्ट होता है तो उस एरिया में ही फॉगिंग करने की गाइडलाइंस हैं। बुखार कोई भी हो तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में हमारे जाके वो दिखा सकता है किस कारण से वो बुखार है। वो हमारी जो लैब्स हैं वेल इक्विप्ड हैं, सारे हरियाणा में वेल इक्विप्ड हमारी लैब्स हैं, तो वो बुखार किस किस्म का है, किस चीज़ का है, वो देख के ही उसका इलाज किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।